हेलो, हाँ मैं आती हूँ। प्रिया, क्या हुआ हमारी मूवी का रिजल्ट? इस बार भी अपने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हर बार की तरह इस बार भी अपने फिल्म फ्लॉप हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम अच्छी टेक्निक, अच्छी स्टोरी, अच्छे गाने, अच्छे म्यूजिक, इवन हम अच्छे आर्टिस्ट को भी कास्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोकेशन में हम शूट के लिए भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैडम, हर बार हम रोमांटिक फैमिली मूवी बनाते हैं, इस बार क्यों ना हम कुछ हटकर करें? क्यों ना इस बार हम क्राइम स्टोरी पर काम करें? क्यों, क्या कहते हो? मैम, इस बार हम एक हॉरर मूवी बनाते हैं। हॉरर मूवी? हॉरर मूवी मार्केट में चल भी रही है, और हाँ, मैंने एक हॉरर मूवी की स्टोरी लिख भी दी है। ओके मैडम, अगर हम हॉरर मूवी बनाते हैं, हाँ, तो उसका नाम आपके नाम से रखेंगे। मेरे नाम पर? संजना। ठीक है मैक्स, तुम मूवी की तैयारी करो और उसकी कास्टिंग वगैरह करो। okay, और जो भी होता है मुझे बता दो। और हाँ, उसकी शूट लोकेशंस क्या होंगी आप फाइनल करो। यस मैम। ठीक है, और हाँ, राज सर को एक बार कॉल कर लो। हाँ हाँ, ठीक है मैम। मैडम, अगर हम मूवी बनाते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे हीरो राज सर ही होंगे। हाँ क्यों नहीं, राज मेरी लाइफ में भी हीरो है। और मेरी मूवी में भी हीरो रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। ये लो राज सर आ गए। ओ राज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। राज, तुमने आज की न्यूज देखी? हर बार की तरह हमारी ये मूवी फ्लॉप हो गई। हाँ, मैं अभी न्यूज देखकर ही आ रहा हूँ। पता है मैंने इस बार क्या सोच रखा है? हम कुछ नया करते हैं। तो फिर क्या सोचा है तुमने इस बार? हर बार हम रोमांटिक फैमिली मूवीज ही बनाते हैं, क्यों ना इस बार हम एक हॉरर मूवी बनाएं? हॉरर? हाँ, कुछ और नया करते हैं ना। राज, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारी मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। इसके अलावा कुछ और नया भी तो कर सकते हैं ना हम। राज, हम बना के देखते हैं। और पता है मुझे क्या लगता है, तुम हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ रहोगे। हाँ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा चलो। राज, ये सिमरन है हमारी मूवी की हीरोइन, और ये उसका बॉयफ्रेंड राजवीर। कैसे हो राजवीर? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे? I'm fine. तुम भी चल रहे हो ना शूट पर? नहीं सर, मैं अभी नहीं चल रहा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। चलो, ओके ओके, बाय बाय सर। चलो बाय बाय। आई लव यू। लव यू टू। बाय। हेलो। हेलो मैक्स, मैंने तुम्हें एक शूट लोकेशन के लिए कोई बंगला देखने को बोला था। हाँ मैम। और हाँ सुनो, वहाँ पे रहने के लिए भी आसपास कोई बंगला देख लेना। मैडम, मैंने शूटिंग लोकेशन के पास एक बंगलो में बात की है, लेकिन वो क्या मैडम, वो एक्चुअली क्या है ना, उस बंगले की जो केयर टेकर है वो अजीब बिहेव करती है। उससे हमें क्या? ओके मैम, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ओके चलो बाय बाय।
वहां बैठो। हमारे रूम किधर है? तुम्हारा रूम ऊपर है, तुम्हारा रूम उधर है। आंटी, एक रूम और खाली है, मेरा भाई आने वाला है। आएगा तो बता दूंगी। नो, मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों डर रहे हो? मैं आपके साथ हूँ ना। दीदी मुझे नहीं रहना यहाँ। हमें नहीं रहना, हम चल रहे ना। परेशान मत हो। यार ये संजना कहाँ लेके आ गई मुझे? अब तो फाइनली मुझे मरना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, बहुत हॉरर लोकेशन है सर। वाओ, क्या लोकेशन है यार। राज, ये आप कोई कहां ले आए? नहीं है राज, इस बार हमारी मूवी एकदम सुपर हिट जाएगी। तुम्हें क्या लगता है राज, क्या हुआ? दीदी ये बताओ मुझे करना क्या है? राज, तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ घूमने आते हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ खो जाती है। तुम्हें उसे आवाज लगानी है, संजना संजना। फिर अचानक तुम्हें एक चीखने की आवाज आती है और फिर तुम इधर उधर देखते हो और अचानक तुम्हारे पीछे से एक हाथ आता है और वो हाथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है और वो तुम्हें डराती है। मुझे क्या हुआ? डर लगता है।
यहाँ नहीं रहना, आपको खेलना है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। लकी आप ऐसा करोगे फिर हम शूट कैसे करेंगे? हाँ आपको खेलना है, खेल के आओ, डन, आराम से जाना, खेल के वापस यही आना। लकी प्रोडक्शन, संजना, डायरेक्टेड बाय संजना गुजराल, सीन नंबर 1, शॉट नंबर 1, टेक नंबर 1। संजना, राज तुम्हें क्या कर रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। फिर से करता हूं। सीन नंबर 1, टेक नंबर 2। संजना। संजना। कट इट, गुड शॉट, अगला सीन हम अंदर लेंगे। चलो पैकअप, वेल डन।
यहाँ कैसे? प्यार करने वाले तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। इरादा क्या है तुम्हारा? अभी बताता हूँ। प्यास लग रही है। पे कुछ है, मैंने देखा। कुछ नहीं होगा बच्चा, आके सो जाओ। दीदी है? कुछ नहीं है वहाँ पे बच्चा, आके सो जाओ, मैं बोल रही हूँ ना। चलो ना दीदी। दीदी है वहाँ पे? कहाँ पे? आपने दीदी क्या देखा? हॉल में। कहाँ पे? कोई चीखा बहुत जोर से। कुछ भी नहीं यहाँ पे लकी, क्या है दीदी? ये ऊपर था? ऊपर नहीं था, वो यहीं पे रखा था। नहीं दीदी, सच में नहीं, मैंने देखा था, वहीं पे था। आपका वहम है? का वहम है, चलो। नहीं, वो वहीं पे रखा था।
अच्छा सुनो, आप ऊपर चलो, मैं पानी लेके आती हूँ। आ रही हूँ मैं। ओके। संजना यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, लगी सो के उठा, कह रहा दीदी यहाँ पे कुछ है और मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी लेने आई थी। संजना मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ कुछ है। राज यहाँ पे कुछ नहीं है, वो बच्चा है। तुम भी बच्चों जैसे बातें क्यों कर रहे हो? संजना यहाँ कुछ है। राज यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो ऊपर, कुछ भी है। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी मैं। पी लिया? हाँ।
कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? बेटा कौन हो तुम? क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? Thank you.
क्या बात है संजना, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। अरे बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा हॉस्पिटल गई थी। क्या बात है, जब से तुम यहाँ आई हो परेशान सी लग रही हो। राज ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बोल सकती हो। राज ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो ये सोचा है हमारा शूट कंप्लीट हो जाएगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बुलाया? मैक्स, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। मेरे पास ना एक फोटो है, उसे क्लीन करा के लाना है, और हाँ जरा संभाल के। मैडम आज शूट पे नहीं जाना है? आज नहीं जाएंगे, कल देखते हैं। ओके मैम। पहले तुम ये काम करा दो, फिर मैं कॉल करके बोलती हूँ। ठीक है मैम। ओके चलो बाय। ठीक है बाय। देखता हूँ यार मैम ने क्या दिया है। रहने दो यार, बाद में देखता हूँ। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, नो चांस।
टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी मन में तो चैन है मैंने लगाई। चालू कैसे हो गया? मैंने अभी तो बंद किया था। गार्ड साहब वहाँ भूत है ऊपर। जाके सो जाओ साहब, सब लोग सो रहे हैं। भूत है वहाँ पर ऊपर। अरे साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पर पिछले 400 सालों से काम कर रहा हूँ। चलिए जाके सो जाओ। भूत भूत आप मेरे साथ चलो ऊपर। नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। और हाँ, किसी से कुछ बोला ना तुमने, नौकरी से निकाल दूंगी, समझ आई बात? ठीक है मैम। क्या हुआ मैक्स, क्या हो गया? चिपकली है, चिपकली से डर गया था सर। क्या यार, तुम भी इतने बड़े होकर चिपकली से डरते हो क्या यार? मैक्स हमारी नींद खराब कर दी। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। अरे सर, आपने चप्पल हाथ में क्यों ले ली? एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? हाँ बोलिए। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? यार मुझे भी चिपकली से बहुत डर लगता है। क्या सर, आप भी इतने बड़े होकर चिपकली से डरते हो? मिलते हैं सुबह। चिपकली से तो मेरी भी बहुत डरती है यार। मैक्स? यस मैम। यहाँ आओ। जी मैम। मैक्स, मैंने कल तुम्हें एक तस्वीर दी थी, उसको वॉश नहीं कराया। मैम सॉरी, मैं भूल गया था। मैक्स उसे वॉश करा के मुझे दो। ठीक है मैम, मैं आज ही करवा के देता हूँ। ओके बाय बाय। Thank you.
संजना को लेके आओ। बाबा ने आपको रुकने के लिए कहा है। लेकिन बाबा को कैसे पता चला मैं यहाँ आई हूँ? बाबा को सब पता रहता है। बाबा ने आपको बुलाया है। हाँ। बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो? हाँ बाबा, जब से हम यहाँ पे आए हैं शूट के लिए कुछ न कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है। हाँ पता है मुझे, जब से तुझे वो तस्वीर मिली है वो तेरे साथ हो गई है और वो तेरे साथ यहाँ तक आ गई है। वो अपने बच्चों के साथ बाहर खड़ी है। उसकी इतनी ताकत नहीं कि वो अंदर आ सके। वो बहुत ताकतवर आत्मा है। उसे जल्द से जल्द काबू करना होगा वरना वो तुम सबको मार डालेगी। पापा आप ही कुछ कीजिए ना। घबराने की बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ये लो ताबीज, और इस ताबीज को अपने गले से मत उतारना। यही ताबीज उस बुरी आत्मा से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे घर आकर उस आत्मा को मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है बाबा, लेकिन वो किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं, वो सिर्फ तुमसे कुछ चाहती है। मुझसे? तुम आराम से जाओ। बस याद रहे, ये ताबीज अपने गले से उतरने मत देना। ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई। और संजना कहाँ चली गई थी तुम? राज में शॉपिंग के लिए गई थी, तुम टायर्ड थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं समझती ना? राज तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू संजना। आई लव यू टू। हेलो। हाँ यार फोन कट गया था। हेलो मैम, ये आपने तस्वीर दी थी। गुड नाइट मैम। सिमरन, 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 सुन क्यों नहीं रही हो यार? अच्छा डरा रही हो ना मुझे? मैंने तुम्हें डराया था इसलिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। सिमरन, 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 मैं संजना हूं, सिमरन नहीं।
सिमरन, ये राजवीर कह रहा है कि तुम अपने आप को संजना बता रही हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सर ऐसी कोई बात नहीं, ये तो पागल हो गया है, आप जाकर सो जाइए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम खामोखा डर रहे हो। सुबह बात करते हैं। हेलो दीदी, आप कब तक आओगी? दीदी जल्दी आओ ना, मैं अकेला हूँ घर पर। ओके दीदी, बाय। भूख लग रही है, पहले चेंज कर लेता हूँ फिर कुछ खाऊंगा। कुछ नहीं है वहाँ पर। कुछ नहीं है, देखो वहाँ कुछ नहीं है बेटा, वहाँ पर रिलैक्स लकी, रिलैक्स। कुछ नहीं है। टीवी आपका चल रहा है, पिज्जा पूरा रखा है। दीदी मुझे मत छोड़ के जाना प्लीज। आप नहीं जाऊंगी बेटा,
नहीं जाऊंगी। चलो चलो चलो। संजना, संजना, तुम ये अजीब रिएक्शन क्यों दे रही हो? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। अभी एक्टिंग छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ, अगला शूट कब है? पिछले दो दिन से शूट नहीं लगाया हमने। मुझे कल बताया था तो मैंने मना नहीं था, पर मैं इसे बताऊंगा तो मानेगा नहीं। अरे राजवीर। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, सिमरन और मैं शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम्हें संजना मैडम बुला रही है। मुझे? मुझसे क्या काम है मैडम को? मुझे क्या पता, अंदर जाके देखो। ठीक है सर, मैं देख कर आता हूँ। मैडम, मैडम, संजना मैडम, मैडम, मैडम।
सर मुझसे क्या गलती हो गई, आपने मुझे बताया नहीं। अगर मैं तुझे बताता तो अंदर नहीं जाता, इसीलिए नहीं बताया। इसे बताते? नहीं सर, इसको बताएंगे तो हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी, उल्टा हमारा मजाक उड़ाएगी। ये बात भी सही है, इसे अंदर भेज। ठीक है सर। अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, और संजना मैम कहाँ है? संजना मैम अंदर है, वो तुम्हें बुला रही है। मुझे? हाँ। ओके सर, मैं मिल के आती हूँ। राजवीर तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, तुम होकर आओ, डायरेक्टर और हीरोइन की बात के बीच में मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, मैं मिल के आती हूँ। संजना मैम, संजना मैम, संजना मैम, संजना तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि संजना मैम पागल हो गई है? संजना मैडम पागल नहीं, मुझे लगता है उनके शरीर में आत्मा आ गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लगता है किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। हाँ लगता है कोई बाबा आ गए, भगवान ने हमारी सुन ली। चलो चलो पकड़ते हैं। बाबा हमें बचा लो बाबा। कुछ मत बोल बच्चा, मुझे सब कुछ पता है। इस बंगले पे एक प्रेत आत्मा का साया है। तुम लोग रुको यहाँ पर, मैं आता हूँ। अच्छा यहाँ बैठी है तू, कौन है तू? I am Sanjana, who are you? I am Baba. क्या करने आया है यहाँ? तू क्या चाहती है? देखो बाबा आ गए। अच्छा हुआ हमारे कपड़े फटने से बच गए। राज, राज, राज है या फिर कोई और? राज नहीं, राज सो रहा है। फिर तेरा नाम क्या है? तू बता, तू राज है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मलंग बाबा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन क्यारा संजना, आर्यन क्यारा संजना, आर्यन क्यारा संजना। ये तेरा घर नहीं है। ये मेरा घर है। तेरी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता, मुझे किसने मारा था, मुझे जिंदा दफन कर दिया था। ये लड़की मुझे लेकर आई है। तू क्या चाहता है? मुझे इन सब के चीख सुनना पसंद है। तुम
हमें छोड़ क्यों नहीं देते? चुप कर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब नहीं उठेगा ये, खामोश हो गया है ये, इसे अंदर ले जाओ। राज, राज। भैरव मदद। बाबा ये क्या हो रहा है और ये संजना कौन है? बेटा ये वक्त बताने का नहीं है, अपने दोनों बच्चों के साथ वो यहाँ आ चुकी है और वो बहुत ताकतवर है, उसे हमें हर हाल में रोकना होगा। अगर उसे हमने जल्द से जल्द नहीं रोका तो वो तुम सबको मार डालेगी। बाबा आइए चलते हैं। वो तुम सबको मार देगी, तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ। उसे मुझे अपने वश में करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी और अपने द्वारा की गई कठोर तपस्या से मैं उस बुरी आत्मा को जलाकर भाग करूंगा। ये मेरी कठोर विद्या की तपस्या का ताबीज है, मैं इसे तुम्हारे कमरे के बाहर बांध कर जाऊंगा। वो तुम्हें बाहर निकालने की बहुत कोशिश करेगी, तुम बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो चीखेगी, चिल्लाएगी, नाटक करेगी, लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। याद रहे वो बहुत ताकतवर है। तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ, जाओ। संजना।
राज तुम हो यहाँ पे? राज राज यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राज राज तुम हो ना? राज लकी 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 ये मेरी हमशक्ल, ये बिल्कुल मेरे जैसी दिखती। कौन हो तुम? मैं संजना हूँ। संजना तो मैं हूँ। तुम ही मैं हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हें चाहती हूँ। यहां से बाहर हो जाओ, मैं इसे देखता हूं। जाओ।
आई है और क्या चाहती है, नहीं तो तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगा। तुझे बताना होगा, बता। पहले उससे हमारी किया जिसने मुझे मेरे होते हुए तू कुछ नहीं कर सकती। तू सबसे पहले मरेगा। चुप कर। तू खुद क्यों नहीं जाती उसे मारने के लिए जिसने तुझे और तेरे बच्चों को मारा है? इन बेकसूरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बेकसूर? बेकसूर तो मेरे बच्चे थे। उन्हें तो छुपने का फर्क भी नहीं पड़ता था। बेहमी से मर दिया। मुझे इस बात का दर्द है। ये नहीं हो सकता। छोड़ दे इस बच्ची को और जाने दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी कठोर तपस्या के तप से जलाकर राख कर दूंगा। रुको बाबा, शायद हम हैं जो इसे, इसके बच्चों और इसके कातिल तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है बाबा, इसे आज भी ये लगता है कि इसके बच्चे जिंदा हैं। ये बुरी आत्मा के साथ साथ एक माँ है। इसे अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता, लेकिन हमें पता है क्या सही क्या गलत। इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन इससे आपको एक वादा लेना होगा। जिस शख्स ने इसे और इसके बच्चों को मारा है, अगर उस शख्स को हम यहाँ लाते हैं तो उसे सजा देने से पहले उसे बताना होगा कि उसने इसके साथ क्या किया था। अगर वाकई में वह गलत हुआ तो हम उसे इसे सौंप देंगे, और अगर नहीं तो आप अपनी कठोर तपस्या के साथ इसे जलाकर भस्म कर देना। बोल, तुझे वादा करना होगा, तभी तुझे तेरा कातिल मिलेगा। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इसे मैंने कहीं देखा है, शायद ड्रैगलिंग की शॉप पर। लेकिन बाबा, मुझे मेरी संजना की मदद लगेगी। अगर ये संजना सच बोल रही है, इसी शख्स ने इसे मारा है, तो वो उसके पीछे जरूर आएगा। हम वही कहानी फिर से दोहराएंगे।
क्या तुम मुझे बता सकती हो उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, मुझे बताओ। बाबा अब वही बताएगा जिसने इसके साथ ये सब किया है। भैया सुनो, बात कर रहे हो? सुबह सुबह पी रखी है क्या? ये मेरी साड़ी मुझे क्लीन करानी है, जरा ध्यान से करना, बहुत महंगी है। ठीक है, हो गई साड़ी इतनी जल्दी? नहीं मैडम, साड़ी नहीं हुई। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको घर में घुसते हुए देखा, सोचा पानी, प्यास लगी है। हाँ अंदर आओ ना। तेरा कातिल तेरे सामने खड़ा है, बता इसने तेरे साथ क्या किया? जब तक तू नहीं बताएगी मैं इसे तेरे हवाले नहीं करूंगा। बाबा इस कमीने से पूछो इसने किया क्या था। बता नहीं तो मैं तुझे इसके हवाले कर दूंगा। बताता हूँ बाबा, उस दिन सुपर हिट कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए कुछ चुने हुए गाने। सबसे पहले अनजाना फिल्म का गाना सुनो। शंकरी की राग देख। एक्चुअली मुझे साड़ी ना ड्राई क्लीन के लिए देनी है। मुझे कल मिल जाएगी ना? ठीक है मैं कल आती हूँ। आर्यन बेटा कहाँ हो तुम? आर्यन, 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 कियारा आपने आर्यन को देखा? नो मम्मा। कियारा आप क्या बना रहे हो? आपके और पापा की ड्राइंग बना रही हूँ।
दिखाओ तो आपने कैसे बनाई? नो मम्मी, ड्राइंग अभी बनी नहीं है। ओके, आज तो मैंने आर्यन की फेवरेट डिश बनाई है। चलो ठीक है, हम ना 10 तक काउंट करते हैं, अगर आर्यन आएगा तो फिर हम खा लेंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले हम खाना फिनिश करते फिर जल्दी से जाके सो जाते हैं, है ना? मम्मी आपके आंखें बंद करो। ओके। अब जल्दी जल्दी आप दोनों खाना फिनिश करो, और आपका होमवर्क भी बाकी है ना अभी। चलो अभी जल्दी से सोने चलते हैं, आराम से। अजो 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 अजो, चलो चलो। मम्मी पापा हमसे मिलने क्यों नहीं आते? मम्मी डैडी को हमारी याद क्यों नहीं आती? हे हे, हे हे। विराज, विराज तुम्हें पता है जब तुम बॉर्डर पर जाते हो मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है। तुम्हें तो फक्र होना चाहिए कि तुम्हारा पति देश की बॉर्डर पर तैनात है। जो लोग बॉर्डर पर शहीद होते हैं वो मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं। प्लीज विराज ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे हे, हे हे। हेलो जी, आप कौन? क्या आप कैप्टन विराज की वाइफ बोल रही हैं? मैं कैप्टन अभिमन्यु बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड कैप्टन विराज बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। कैप्टन विराज की कुर्बानी हमारा देश याद रखेगा। जय हिंद। बच्चों मैं आप दोनों को रोज बताना भूल जाती हूँ, पापा का फोन रोज आता है, लेकिन आप दोनों जब स्कूल में होते हो, जब आप घर में होते हो तो पापा बॉर्डर पे देश के दुश्मनों को दूर, बहुत दूर मार भगाते हैं। इस बार जब भी पापा का कॉल आएगा ना, मैं उनको बोल दूंगी आपके दोनों लाडले आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है? अब भी आप दोनों सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। चलो मैं आपको एक अच्छी सी लोरी सुना। हाँ, सो जा चांद सितारों की दुनिया में, पापा गए हैं सपनों में मिलने, लाडले से वो आ रहे हैं। सो जा क्या मैं बताऊं, कैसे बताऊं पा
पापा की ये मजबूरी, इस दुनिया से उस दुनिया की लंबी है दूरी। जैसे यहाँ तू बेचैन है, वो भी चैन नहीं पा रहे हैं। चांद सितारों की दुनिया में पापा गए हैं। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। कौन हो तुम और इतनी रात को क्या चाहिए? भाभी जी, ड्राई क्लीन वाला शंकर। ये कोई वक्त है डिलीवरी देने का? भाभी जी, 2-3 दिन के लिए दुकान बंद रहेगी, काम चल रहा है, इसलिए सोचा कि आज ही देता जाऊं, वरना परेशान हो जाती। ठीक है। क्या? पानी पीना है, बहुत देर से प्यास लगी है। ठीक है, ये रुको, मैं लेके आती हूँ। जी। कहाँ गया? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? कहा था ना मैडम जी, प्यास लगी है, बुझा दो। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम सब ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे बंद करो तुम्हारा फिल्म डालो। आ रही हो? नहीं तो फिर हमारे पास प्यास बुझाने के और भी तरीके हैं। रुको, आप जाओ बेटा। मैं प्यासा तुम मम्मा। कियारा बेटा, आप अपनी आंखें बंद करो। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। सान सितारों की दुनिया में Thank you.
नाम बर रोया ना धरती कांपी मजलूमों को कब तलक नोचेंगे पापी के खोलो, तूने अपनी हवस के लिए मेरी बच्ची को मार दिया। कियारा, कियारा के खोलो बेटा, कियारा, तूने अपनी हवस के लिए मेरी बच्ची को मार दिया। कियारा, कियारा तूने मेरी बच्ची को मार दिया, तूने मेरी बच्ची को मार दिया। मैडम जी, जानबूझ के नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था मैडम जी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानबूझ के नहीं किया था, पर अब करना पड़ेगा। मैडम जी, थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मेरा काम मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देता कि मैं तुझे इस नीच आदमी को मारने दूं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा, लेकिन मेरी इंसानियत और मेरा अहंकार मुझे जीने नहीं देगा। तुझे मुझसे वादा करना होगा, तू इस नीच आदमी को मार के तू इन सब लोगों को यहां से जाने देगी। बाबा बाबा, बाबा टाइम से बचा ले, बाबा बचा ले, बाबा टाइम से बचा ले, बाबा 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 क्या कर रहा बाबा, पागल आदमी बाबा। बाबा बेटा जी, बाबा भाई 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 तू तो बचा ले मैडम, मैडम मैडम बचा लो, मैडम मैडम बचा लो, अरे कुछ ना बचा लो, अरे कोई बच, अरे बचाओ, अरे इंसानियत हमारी हद है,
हमें इसे पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें शैतान होने से बचाती है। इंसान को ये याद रखना चाहिए कि हर वक्त उस पर खुदा की नजर है। वो अपने गुनाहों से तो बच सकता है, लेकिन उसके किए की सजा उसे यहीं पर मिलती है। इंसान अदालत से बच सकता है, पर उसके खुदा के इंसाफ से नहीं।